जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है, वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे कि फिर एक बार मोदी सरकार और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। आजचा दिवस आपला स्वप्नपूर्तीचा आहे। आज देशातील सर्वात लांबीच्या सागरी सेतूचं आज लोकार्पण होतंय आणि या लोकार्पण प्रसंगी ज्यांच्या शुभ हस्ते होतंय ते आपल्या देशाचे गौरव मूर्ती, विश्वगौरव, लोकप्रिय आणि अतिशय कणखर असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आणि आमचे उपस्थित राज्यपाल महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व केंद्रीय मंत्री, माझ्या विधिमंडळातील सहकारी मंत्री, सर्व खासदार, आमदार, त्याचबरोबर हिरोशी सुझुकी अम्बॅसेडर ऑफ जपान आणि सर्व मान्यवर, खरं म्हणजे आपल्याला आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायचं आहे। आणि आज देशातला सगळ्यात लांबीचा 22 किलोमीटरचा सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज या ठिकाणी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी त्याचा शुभारंभ केलेला आहे। खरं म्हणजे योगायोग बघा, याच MTHL-चं, या सागरी सेतूचं भूमिपूजन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलं होतं त्यावेळी देवेंद्रजींच्या काळामध्ये, ते मुख्यमंत्री असताना, आणि त्याचं उद्घाटन देखील आज मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते होतंय, याचा आपल्या सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे, आनंद आहे। मध्ये कोविडचा काळ गेला, कोविड असताना देखील या समुद्र सेतूमध्ये ज्या ज्या लोकांनी, अधिकाऱ्यांनी, इंजिनिअरनी, सर्व कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी जी मेहनत घेतली त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, कारण कोविड असताना देखील त्यांनी या पुलाचं काम योग्य वेळेमध्ये केलं। आणि 2 तासाचं आता लागणारं अंतर या पुलामुळे फक्त 20 मिनिटांमध्ये मुंबईतला माणूस इथं चिरलेमध्ये येणार आहे। आणि हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे, इंधन वाचणार, वेळ वाचणार, प्रदूषण कमी होणार, अशा प्रकारचा अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हा प्रकल्प आपण केला। खरं म्हणजे याच्याबरोबर आज खारकोपर उरण रेल्वे लाईन, दिगागाव रेल्वे स्थानक, सूर्या पाणी पुरवठा योजना, नवी मुंबई मेट्रो मार्ग 1, बेलापूर ते पेंढार, खार रोड आणि गोरेगाव दरम्यान नवीन रेल्वे लाईन यांचं देखील आपल्या राष्ट्राला समर्पण केलं जाणार आहे। ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह बोगदा टनेल, त्याचं देखील भूमिपूजन होणार आहे। आणि त्याचबरोबर नमो अभियान मधील मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरणाचा देखील शुभारंभ या ठिकाणी होणार आहे। लेक लाडकी लखपती या योजनेचा देखील शुभारंभ होतोय। हजारो महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत, मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि बांधवांना देखील धन्यवाद देतो। MTHL सीलिंग ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इसे दिया हुआ है। यह सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है। श्रद्धेय अटल जी का नाम और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन, इस ब्रिज के मजबूती के एक गारंटी है। जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है, वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है। यह सी ब्रिज
22 किलोमीटर का है। बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है, ऐसा ये मजबूत बनाया है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे, ये मैं अभी कहना चाहता हूं। ये सत्यता है, ये सच्चाई है। यह सिर्फ शिवडी नावा सेवा एक मार्ग नहीं है, बल्कि जीत की ओर ले जाने वाला विकास का महामार्ग है। अन्याय और अत्याचार करने वाले रावण के अहंकार का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था। इस सागरी सेतु के निर्माण से उसी तरह अहंकारी लोगों का अहंकार भी चकनाचूर हो जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा, जब महाराष्ट्र में विकास प्रकल्प के भूमि पूजन लोकार्पण को हम जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हमारा और महाराष्ट्र का उत्साह बढ़ाने के लिए समय हमें देते हैं और आते हैं, लोकार्पण करते हैं। और लोगों में काफी देखा कितना आपके प्रति प्यार है, इतनी महिलाएं, इतने हमारे भाई सब यहां उपस्थित है, रोड पे कितने खड़े थे, इतना प्रेम शायद इस देश में नहीं बिल्कुल बल्कि दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा। और इसलिए ये विकास के जो विरोधी लोग हैं उनको हमेशा ये खटकता है, उनके पेट में दर्द होता है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना हम सरकार का काम, विकास का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम सद्भावना और सर्वदय से सेतु बनाते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में इसी तरह सद्भावना एवं सर्वांगीण विकास का पुल बना रहे हैं और इसीलिए इनके साथ अब की बार 400 पार के नारे को मजबूत करने के लिए हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इसलिए मैं कहूंगा, मैं आप सब की तरफ से कहूंगा कि फिर एक बार मोदी सरकार और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार, यह संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विकास के माध्यम से हम लोगों के सामने जाएंगे।